हेलो। तो मेरे पास ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, ये वुडन प्लैंक। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कलाकारी करी थी। मैंने इसके ऊपर मार्बल पाउडर का पेस्ट अप्लाई किया था और कुछ पैटर्न भी बनाए थे, बट फिर वो मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और इसका कुछ भी नहीं किया। बट फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पर कुछ नया बनाया जाए। तो मैंने इसे बहुत क्लीन करने की कोशिश करी, बट ये क्लीन तो हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अभी मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर दिया है। तो जेसो अप्लाई कर देंगे तो इसका सरफेस जो है ना, स्मूथ तो पहले से ही था क्योंकि मार्बल पाउडर का पेस्ट बनाया था। तो जेसो अप्लाई करने से जितना भी गंदा दिख रहा है और जो भी पैटर्न बनाए थे तो वो कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद मैंने लिया है ये एक पेपर, उसे हाफ में फोल्ड करके एक झरोके का पैटर्न ड्रॉ कर लिया था और अभी मैंने उसे कट कर लिया है। तो इसे कट करने के बाद अभी जो ये वुडन प्लैंक है ना, इसके ऊपर मैं इसे ट्रेस करूँगी। तो मैं यहाँ पर तीन झरोके जो है ना, तीन झरोके ट्रेस कर लूँगी, एक के ऊपर एक तीन झरोके बना लूँगी। तो ये इस तरह से बन गया है। अभी इसके बाद मैंने इसी जो झरोका कटआउट लिया था ना, उस पर एक लोटस ड्रॉ कर लिया है और इसे ट्रेस करूँगी। तो ट्रेस करने के लिए मैंने इसी के बैक साइड पर पेंसिल से थोड़ा सा स्क्रैच कर लिया था और इसे उसी जगह पर रख दिया था जहाँ ट्रेस करना है। और अभी मैं इसके ऊपर वापस से पेंसिल से ट्रेसिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये ट्रेसिंग का। अगर छोटा मोटा कुछ भी ट्रेस करना है और अगर आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये ट्रेस हो गया है। तो दूसरी बार जब मैं करूँगी तो वापस से मैं इसे एक बार फिर से पेंसिल को इसके बैक साइड पर स्क्रैच कर लूँगी, उसके बाद ही मैं इसे यूज़ करूँगी, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। तो ये मैंने जो तीनों झरोके बनाए थे उन तीनों के बीच में ये फ्लावर बन गया है। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर कलरिंग स्टार्ट करूँगी। तो कलरिंग के लिए जो झरोका बनाया है उसके अंदर तो मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, टील ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो मैंने अप्लाई किया है वो झरोके में, सिर्फ झरोके में ही अप्लाई किया है, बस उसमें लोटस वाला जो एरिया है ना उसे छोड़ दिया था। इसके बाद जो इसके बाहर वाला जितना भी पार्ट था ना, झरोके के बाहर वाला, उसको मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है। और इसी के साथ में ना, जो इस वुडन प्लैंक के एजेस थे तो उस पर भी मैंने कलर किया था। उसे कलर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज़ वो साइड से दिखते हैं तो वो थोड़े से ख़राब लगते हैं। तो उस पर भी मैंने कलर कर दिया था। ये होने के बाद अभी मैं बनाऊंगी सेरेमिक कोन। तो इसके लिए मैंने ये सेरेमिक पाउडर ले लिया है और इसमें मैं ग्लू मिला रही हूँ। तो ग्लू मिला के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतना ग्लू मिलाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें पानी मिला सकते हैं, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और काफ़ी अच्छा एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट बनने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो जो मेहंदी वाला जो कोन हम लोग बना यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी रखनी है। इसे जब हम चम्मच से उठाएँ तो ये ईजिली गिरे नहीं कटोरी में। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके बाद मैंने ये कोन बनाया है, इसमें मैं इसे फिल कर दूंगी और इसे अच्छे से टेप लगाकर लॉक कर दूंगी। तो इसी तरीके से अगर कलरफुल कोन बनाना है तो इसी में कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मार्केट वाले कुछ सेरेमिक कोन है कलरफुल, वाइट कलर इसमें नहीं था, इसी वजह से मैंने सिर्फ वाइट कलर का ही कोन बनाया है। तो अभी जो मैंने लोटस बनाया था ना, उस लोटस की मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ रेड कलर के कोन से। तो सिर्फ अभी आउटलाइनिंग करूँगी, जब आउटलाइनिंग ड्राई हो जाएगी इसके बाद ही मैं इसमें फिलिंग स्टार्ट करूँगी। सो
सो आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है और वो ड्राई भी हो गई है। इसके बाद अभी मैं इसमें जो फिलिंग है ना वो फिल कर दूंगी, रेड कलर से ही मैं इस पूरे लोटस को फिल कर दूंगी। तो फिलिंग के लिए वैसे अलग कोन होता है बट मैं इसी कोन का ही यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छे से पूरे एरिया को कवर कर दूंगी। ये होने के बाद इसे भी अच्छे से ड्राई होने देंगे, तो जब तक ये ड्राई होता है जो झरोके की बाउंड्री है तो मैं वहाँ पर आउटलाइनिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक कलर का कोन यूज़ कर रही हूँ। तो अगर कोन नहीं है और अगर नहीं बना सकते हैं तो इसकी जगह सिंपली कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर का यूज़ कर लीजिए, तो या जो भी कलर आपके पास हो आप उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ना क्ले वर्क वैसे इसमें करते हैं बट काफ़ी टाइम से क्ले वर्क ही कर रहे थे, इसीलिए मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सिरेमिक कोन का ही यूज़ करते हैं। सो इसीलिए मैंने इस पूरे पीस को सिरेमिक कोन से ही कंप्लीट किया है। अगर चाहे तो इसकी जगह क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी लोटस का जो फिलिंग थी वो ड्राई हो गई थी, इसके बाद जो मैंने वाइट कलर का कोन बनाया था ना उससे मैंने लोटस की आउटलाइनिंग कर दी है और ये कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें ऐड कर दी है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लुक दे, क्योंकि ऐसे तो प्लेन प्लेन लगता ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये होने के बाद मुझे इसका जो बॉर्डर था वो थोड़ा सा प्लेन लग रहा था, खाली खाली सा, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर के कोन से उस बॉर्डर को भी कंप्लीट कर दिया। तो अभी तक का जो हमारा वर्क है वो कुछ इस तरह का लग रहा है और अभी मैं इसमें वाइट कलर का जो हमने कोन बनाया है उस कोन से इसमें झरोके के बाहर जो जितना भी एरिया है ना वहाँ पर ये पैटर्न बना लूँगी इस तरह से। क्या बोलूँ अभी मैं इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ बट जो दिख रहा है मैं इसी तरह का पैटर्न बना लूँगी इसमें। सो इस तरह से ये पूरा बना लूँगी। बनाने के बाद मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। ड्राई होने के बाद जो भी झरोका वाला पार्ट था ना वो थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी वाइट कलर से डॉट डॉट करके एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है ताकि वो झरोका बिल्कुल प्लेन प्लेन सा ना लगे। तो ये हो गया है और सब कुछ अच्छे से ड्राई हो गया है। इसके बाद अभी मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ वॉर्निश, तो अच्छी तरह से पूरे पीस में वॉर्निश अप्लाई कर देंगे और इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही वॉर्निश अप्लाई करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना वॉर्निश में। तो ये वॉर्निश अप्लाई होने के बाद अभी मेरे पास हैं ये कुछ मिरर्स, तो अभी मैं इसमें मिरर्स लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर वॉर्निश पहले ही अप्लाई कर दी और मैं बाद में इसमें मिरर्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिरर्स ऐड करने के बाद जब वॉर्निश अप्लाई करते हैं ना तो वॉर्निश अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाती है और मिरर्स पर भी वॉर्निश अप्लाई हो जाती है, फिर उसके बाद मिरर्स को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने वॉर्निश पहले अप्लाई कर ली और बाद में मैं इसमें मिरर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरे मिरर्स तो मैंने अप्लाई कर दिए हैं, इसके बाद थोड़ा सा ये रह गया था तो अभी मैं रेड कलर का कोन लेकर इसमें इस तरह से कुछ कुछ बीच बीच में पैटर्न बना दूंगी इस तरह से, क्योंकि अभी भी ये मुझे कुछ खाली खाली सा फीका फीका सा लग रहा था, तो रैंडमली इस तरह से बीच बीच में मैं ये वाला पैटर्न बना दूंगी और थोड़े थोड़े से रेड कलर से डॉट्स भी ऐड कर दूंगी। तो अभी ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसे हैंग करने के लिए मेरे पास है ये इस तरह का हुक और ये 2 स्क्रू हैं, तो इसके बैक साइड पर मैं इस हुक को पहले तो देख लूँगी कि इसे कहाँ लगाना है और इसकी मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद जो हमें स्क्रू लगाना था ना वहाँ पर पहले तो हम एक छोटा सा किसी भी पॉइंटेड चीज़ से डेंट बना लेंगे और डेंट बनाने के बाद हम इस स्क्रू को फिक्स कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये हुक आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वाला आर्टवर्क अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये वाले वीडियो भी देख ही लेना। बाय बाय।